इसराइल हमास जंग के बीच कतर से भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि पिछले वर्ष अक्टूबर में कतर में काम करने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन लोगों पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिक कतर की एक सिक्योरिटी एजेंसी अल दहरा ग्लोबल में काम करते थे। अब खबर है कि भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। इस खबर के बाद से भारत में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये 8 पूर्व नौसैनिक वर्ष 2022 के अगस्त महीने से ही कतर की जेल में बंद थे। यही नहीं, इसके बाद से ही भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी बहुत ही मुश्किल से इन नौसैनिकों से मिलने की अनुमति मिली थी। कतर की अदालत के फैसले के बाद अब भारत इसको लेकर कानूनी विकल्पों के बारे में भी विचार कर रहा है। जिन 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई वो अल दहरा ग्लोबल में अलग अलग पदों पर तैनात थे। अगस्त 2022 में इनको गिरफ्तार किया गया था और फिर इस साल मार्च में इन 8 पूर्व नौसैनिकों पर जासूसी का आरोप लगाया था। दरअसल जिस सिक्योरिटी एजेंसी अल दहरा ग्लोबल में ये काम करते थे वो कंपनी कतर की नौसेना के लिए एक विशेष सबमरीन प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई थी। इटली की एक खास तकनीक पर बनी इस सबमरीन की खासियत ये थी कि ये रेडार की पकड़ में नहीं आती थी। अल दहरा ग्लोबल में करीब 75 भारतीय नागरिक काम करते थे जिसमें से ज्यादातर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। पिछले साल मई में कतर ने इस कंपनी को बंद करने का आदेश दिया जिसके बाद 70 कर्मचारियों को देश छोड़ने का भी आदेश दिया गया था। अगस्त में इस कंपनी के प्रमुख खमीस अल अजामी समेत 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों पर आरोप यह है कि इन्होंने सबमरीन से जुड़ी जानकारी इसराइल को भेजी। हालांकि कतर ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। जिन 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है उन पर लगे आरोपों को लेकर आधिकारिक तौर पर अभी ना तो कतर ने कुछ बताया ना ही भारतीय अधिकारियों की तरफ से ही कुछ साफ किया गया। जिन 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर ने मौत की सजा सुनाई है उनमें कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अजीत नागपाल और सेलर रागेश बताए जा रहे हैं। इन सभी रिटायर्ड नेवी अधिकारियों ने नौसेना में करीब 20 वर्षों तक काम किया है। यही वजह है कि सिक्योरिटी एजेंसी अल दहरा ग्लोबल ने इनकी स्किल को देखते हुए इन्हें कतर की नौसेना के लोगों को ट्रेनिंग देने के मकसद से नौकरी पर रखा था। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कतर की अदालत के फैसले पर हैरानी जताई है और इन पूर्व सैनिकों के परिवार वालों से संपर्क में होने की बात कही है। विदेश मंत्रालय ये भी मान रहा है कि ये मामला बहुत गोपनीय है, इसीलिए इसको लेकर खुले तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। विदेश मंत्रालय के एक लिखित बयान में कहा गया है कि कतर की अदालत के फैसले से झटका लगा है। फिलहाल वो इस फैसले से जुड़ी पूरी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय इस मामले में लीगल टीम से भी संपर्क में है और कानूनी रास्ता तलाश रहा है। यही नहीं, इस मामले में विदेश मंत्रालय कतरी अथॉरिटीज से भी बात कर रही है। मैंने कई बार अपनी जिंदगी में, अपने डिप्लोमेटिक करियर में ऐसे हादसे देखे हैं जहां पे हमारे लोगों को सेंटेंसिंग हो जाती है, जेल में डाल दिया जाता है अंडर ट्रायल। कोई भी भारतवासी दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर तकलीफ में हो, जेल में हो, तो हमारा एम्बेसी का, हाई कमीशन का एक व्यक्ति वहां जाके पूछता है कि भाई तुझे कोई मारपीट तो नहीं रहे, तुझे खाना ठीक तरह से मिल रहा है, और कोई समस्या है। हम छुड़वा नहीं सकते लेकिन हम कॉन्सुलर सपोर्ट उसको देखते हैं। दूसरे लेवल पे फिर हम देखते हैं कि लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है, और हमारे जो दूतावास है हम सब के पास लॉयर्स होते हैं हमारे पैनल पे, तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस केस को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरे लेवल पे फिर हम पॉलिटिकल नेगोशिएशन करते हैं। मैंने किया है, मैंने जहाँ जहाँ राजदूत रहा हूँ, सब जगह नहीं, कुछ जगह में हमारे लोग जेल में थे, मुझे लगा कि ये जो चार्जेस हैं इनके ऊपर ये गलत हैं, फिर हमने बातचीत की वहाँ की सरकार से, उन्हें छुड़वा दिया गया। कतार एक खेल खेल रहा, अंग्रेजी में कहते हैं पंचिंग अबव योर वेट, यानी
जितनी आपकी ताकत नहीं है आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं। 2014-2017 में आपको याद होगा कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कतार को बर्खास्त कर दिया था और उस समय एयर स्पेस भी बंद कर दी थी और कतार की बड़ी बुरी हालत थी। फिर हमसे उसने खाद्य पदार्थ मांगे तो फिर ईरानियन एयर स्पेस के थ्रू वो सामान गया और $100 मिलियन उन्होंने ईरान को दिए थे। ईरान पॉकेट में तो कुछ करता नहीं, उसकी अपनी हालत खराब है, लिया था। तो कतार फिर वापस आ गया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, बोला कि अब मैं मुस्लिम ब्रदरहुड को प्रोत्साहित नहीं करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय कूटनीति को समझता हूं। ये जो लड़कों जिस बच्चों को हमारे ऑफिसर्स को सजा हुई है ये फर्स्ट कोर्ट में है, फिर सेकंड कोर्ट में जाएगा, उसके बाद कॉन्फर्मेशन के लिए जाएगा, फिर हम लोग बातचीत ये करेंगे एट द डिप्लोमेटिक लेवल और फाइनली एट द पॉलिटिकल लेवल। मेरा पूरा मानना है कि कतार जो कुछ कर रहा है वो दिखाने के लिए कह रहा है कि हमारा इंडिपेंडेंट सिस्टम है। जब वहाँ पे वर्ल्ड कप भी हुआ था उसकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन कतार में ये दम नहीं है कि वो हमको नाराज कर सके। भारतीय नौ सैनिकों को कतर में मौत की सजा सुनाना भारत के लिए एक गंभीर मामला है। हालांकि ये इतना संवेदनशील और गोपनीय है कि इसको लेकर खुलकर कोई भी नहीं बोल रहा। पिछले करीब एक साल से भारतीय नौसैनिक कतर की जेल में हैं और तभी से उनको कानूनी मदद देने की कोशिशें की जा रही हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये मामला जासूसी का है तो कतर भारत को इससे जुड़े सबूत या जानकारी क्यों नहीं दे रहा। कई लोगों का मानना है ये एक गहरी साजिश के तहत कतर की ओर से कदम उठाया गया है। इसके संकेत तभी मिल गए थे जब जासूसी के इस मामले में गिरफ्तार किए गए ओमान के नागरिक और कंपनी के सीईओ खामिस अल अजमी को मात्र 2 महीने के अंदर ही छोड़ दिया गया था, जबकि भारतीय नौसैनिकों को इस मामले में जमानत तक नहीं दी गई। शुरुआत में उन्हें काउंसलर एक्सेस भी नहीं दिया गया था। नौ सैनिकों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था। कतर प्रशासन ने भारतीय दूतावास को सितंबर में नौ सैनिकों के गिरफ्तार होने की खबर दी। सितंबर के आखिर में भारतीय दूतावास की मदद से नौ सैनिकों के परिवार वालों की बात 8 नौसैनिकों से करवाई गई थी। इसके बाद 3 अक्टूबर को पहली बार गिरफ्तार नौ सैनिकों को काउंसलर एक्सेस दिया गया। फिर इसके बाद 29 मार्च 2023 से इस मामले की सुनवाई कतर की कोर्ट में शुरू हुई। 7 सुनवाइयों के अंदर ही इन भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई। कोर्ट की ये सुनवाइयां बंद कमरे में की गई थी। नौसैनिकों पर क्या आरोप लगाए गए थे और इन आरोपों से जुड़े कौन कौन से सबूत पेश किए गए, इससे जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। यही वजह है कि कतर ने जब भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई तो इसको बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी 2 वजह है। पहली, भारत का इसराइल को समर्थन, और दूसरी वजह है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। कतर के इस कदम के पीछे भारत का इसराइल को समर्थन भी हो सकता है। हमास के हमले के बाद भारत ने इसराइल के साथ खड़े होने की बात कही थी। आतंकी हमलों के खिलाफ रहने वाले भारत ने हमास के हमलों को बर्बर बताते हुए इसराइल के पक्ष में बयान दिया था। कतर हमास का समर्थक है। आतंकी संगठन हमास के नेता कतर में ही मौजूद हैं। भारतीय नौ सैनिकों को मौत की सजा देने का ऐलान इसराइल के मामले में भारत को संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह अलग बात है कि ये मामले पिछले वर्ष से ही चल रहे हैं, लेकिन अचानक से इस मामले में मौत की सजा का ऐलान भारत का इसराइल को समर्थन दिए जाने के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। कतर के इस कदम को इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के विरोध के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस साल भारत में हुए G20 सम्मेलन में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाना तय हुआ था। इसके लिए इंडिया, USA, UAE, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन ने MOU पर हस्ताक्षर किए। इस कॉरिडोर के बनने से एशिया, पश्चिमी एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार बढ़ेगा, जिससे विकास को गति मिलेगी। मिडिल ईस्ट इस कॉरिडोर को लेकर ईरान, टर्की और कतर जैसे देश परेशान हैं। दरअसल इस कॉरिडोर में इन देशों को नहीं जोड़ा गया है। ये देश अपना महत्व दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं।
जैसे हमास के इसराइल पर किए गए हमले को भी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के विरोध के तौर पर देखा गया, क्योंकि इस कॉरिडोर में इसराइल भी आ रहा है। इसराइल से होते हुए ये कॉरिडोर यूरोप की तरफ जाएगा। ईरान और टर्की जैसे देश हमास के जरिए इसराइल पर युद्ध थोपकर इस कॉरिडोर के काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कतर भी इसमें हमास का समर्थन कर रहा है। मिडल ईस्ट में ईरान, टर्की और कतर जैसे तीन महत्वपूर्ण देश अपना महत्व दिखाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. And one more word on this. I continue to be alarmed about extremist settlers attacking Palestinians in the West Bank, that pouring gasoline on fire is what it's like. This was a deal. The deal was made, and they're attacking Palestinians in places that they're entitled to be. And it has to stop. They have to be held accountable. And it has to stop now. भारतीय पूर्व नौसैनिकों पर जासूसी के आरोप लगवाने से लेकर उनकी गिरफ्तारी और फिर मौत की सजा दिलवाने तक पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। अब हम आपको इससे जुड़े कुछ सबूत दिखाते हैं। भारतीय नौसैनिकों की गिरफ्तारी और अब उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आ रही है। दरअसल रडार से बचकर निकलने वाले जिस सबमरीन से जुड़ा ये मामला है, उसको पाकिस्तान भी खरीदना चाहता है। माना जा रहा है इसी वजह से पाकिस्तान इन भारतीय नौसैनिकों को फंसाना चाहता था। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर जून 2022 की है। इसमें कतर एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल जसीम मोहम्मद और पाकिस्तान के तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी हैं। 8 जून 2022 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नौसेना हेडक्वार्टर में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके दो महीने बाद यानी 30 अगस्त को कतर में भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तान और ISI के कहने पर ही भारतीय नौसैनिकों पर झूठे आरोप लगाए गए थे। अब आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में कतर और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की मुलाकात है। इस वर्ष मार्च महीने में इनकी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद ही कतर ने भारतीय नौसैनिकों पर कोर्ट में सुनवाई शुरू की और बंद कमरों में हुई 7 सुनवाइयों में मौत की सजा का ऐलान कर दिया। यानी भारतीय नौसैनिकों के मामले में कतर ने जो भी कदम उठाए उसमें कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना और ISI से जुड़े लोगों ने कतर के अधिकारियों के साथ मुलाकातें की। इससे एक बात साफ है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान काफी एक्टिव रहा है। कतर और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो आतंकवादियों को आर्थिक और सैन्य मदद देते रहे हैं। इस्लामिक आतंकवाद के समर्थन की वजह से भी इन दो देशों के संबंधों में काफी गहराई दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकवाद से कतर के रिश्ते किसी से छिपे नहीं है। भारत जैसे देश ही नहीं, अरब देश भी कतर के इस रवैये से परेशान है। वर्ष 2014 में सऊदी अरब और UAE ने इस्लामिक आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाकर कतर से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे। हालांकि इसके बाद भी जब कतर का रवैया नहीं बदला, तब वर्ष 2017 में अरब देशों के एक समूह जिसमें सऊदी अरब, UAE, ओमान, मिस्र और बहरीन ने कतर से अपने सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। यही नहीं, इस समूह ने कतर की व्यापारिक घेराबंदी भी कर दी थी। वर्ल्ड मैप के जरिए हम आपको ये समझाते हैं। कतर के एक छोर पर समंदर है और वो बाकी तीन ओर से सऊदी अरब, ओमान और UAE से घिरा हुआ है। इन देशों ने कतर को जाने वाले अपने सभी रास्ते बंद कर दिए थे। यही नहीं, कतर की एयरलाइंस को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से भी रोक दिया था। इसके अलावा इन देशों ने समुद्री सीमा में भी कतर की घेराबंदी कर दी थी। कतर के हालात ये हो गए थे कि उसे अपना सारा व्यापार ईरान के जरिए करना पड़ता था, जो ज्यादा खर्चीला था। घेराबंदी खत्म करने के लिए सऊदी अरब, ओमान और UAE ने कतर के आगे कुछ शर्तें रखी थी।
पहली शर्त ये थी कि कतर इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करेगा। दूसरी शर्त ये थी कि कतर आतंकवादी संगठनों को आर्थिक मदद देना बंद करेगा। तीसरी शर्त ये थी कि कतर दुनिया भर के इस्लामिक आतंकवादी सरगनाओं को अपने यहां शरण नहीं देगा। चौथी शर्त ये थी कि कतर अल जजीरा न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगाएगा। पांचवी शर्त ये थी कि कतर ईरान और टर्की के साथ अपने संबंध कम करेगा। हालांकि इनमें ज्यादातर शर्तों को कतर ने नहीं माना, लेकिन करीब 4 सालों तक इन अरब देशों ने कतर की घेराबंदी बनाए रखी, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हर साल कतर को होता रहा। आखिरकार कतर ने कुछ शर्तों पर हामी भरी और अमेरिका के बीच बचाव के बाद अरब देशों ने कतर की घेराबंदी खत्म कर दी। अमेरिका कतर का एक महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार है। अरब देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कतर में ही है। आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने कतर को अपना मुख्य नॉन नाटो पार्टनर बताया है, लेकिन खुद अमेरिका भी आतंकवाद के मामले में कतर की दोगली नीति से परेशान है। वर्ष 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कतर बहुत बड़े स्तर पर आतंकवाद की फंडिंग करता है। उन्होंने तब यह भी कहा था कि वक्त आ चुका है जब कतर की टेरर फंडिंग पर रोक लगानी पड़ेगी। भले ही कतर दावा करता हो कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन कतर ने हमास से लेकर तालिबान, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकवादी संगठनों के सरगनाओं को पनाह दी है। यही नहीं, कतर वो देश है जो आतंकवादी संगठनों और विश्व के अन्य देशों के बीच डील करवाता है। अमेरिका और तालिबान के बीच जो डील हुई थी वो भी कतर की राजधानी दोहा में ही हुई थी। जब अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका जंग में उतरा, तब तालिबान के कई बड़े नेताओं को कतर ने ही शरण दी थी। इसी तरह से फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बड़े नेता इस वक्त कतर में ही मौजूद हैं। हमास का चीफ इस्माइल हानिया वर्ष 2012 से दोहा में ही आलीशान जिंदगी जी रहा है। 7 अक्टूबर यानी जिस दिन हमास ने इसराइल पर हमला किया था, उस दिन भी इस्माइल हानिया कतर में मौजूद था। उसका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो इस हमले के बाद खुशी का इजहार कर रहा है। यही नहीं, कतर हर महीने हमास को $30 मिलियन यानी करीब 250 करोड़ रुपए देता है। इसके अलावा 2017 में कतर ने सीरिया में मौजूद अलकायदा आतंकी संगठन को $1 बिलियन यानी करीब 8,500 करोड़ रुपए फिरौती के बहाने दिए थे। इतना ही नहीं, कतर अल जजीरा के जरिए अपने पड़ोसी अरब देशों के आंतरिक मामलों में भी धकल देता आया है। अरब स्प्रिंग आंदोलन के दौरान अल जजीरा ने कई खाड़ी देशों में मौजूद सरकार के खिलाफ माहौल बनाया था, लेकिन जब कतर के शाही परिवार के खिलाफ कोई प्रदर्शन होता था तब अल जजीरा उसे नहीं दिखाता था। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन कतर के अमीर अल थानी से मिले, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कतर से अल जजीरा की आवाज कम करने के लिए कहा था, यानी अल जजीरा को गाजा पट्टी पर हो रहे हमलों को लेकर दिखाए जाने वाले भड़काऊ खबरों को रोकने के लिए कहा था। आपको याद होगा कि कतर वो देश है जिसने नुपुर शर्मा के मामले में सबसे पहले भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। कतर ने नुपुर शर्मा पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए भारत पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया था। लेकिन कतर वही देश है जिसने हिंदू देवी देवताओं को आपत्तिजनक तस्वीर बनाने वाले पेंटर एमएफ हुसैन को ना सिर्फ अपने यहां शरण दी, बल्कि उन्होंने कतर की नागरिकता भी दे दी थी। Z News.